हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कैप्टन नितिश अरोड़ा विद यू। सब लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं, सर हमने पायलट ट्रेनिंग करनी है, पायलट ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद पायलट बन गए, हम सीपीएल लाइसेंस हाथ में आ गया, उसके बाद क्या करना है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि सीपीएल के बाद होता क्या है, कैसे कर रहे हैं, कैसे जॉब लगती है, कैसे मेरे को पायलट की जॉब मिलेगी। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीपीएल से, हाउ टू बिकम ए पायलट। ये वीडियो आपने सबने देख लिया होगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है पायलट बनने की। सबसे पहली बात, आप वैकेंसीज के लिए वेट करते हैं, वैकेंसीज आर ऑलवेज नॉट देयर, हमेशा वैकेंसीज नहीं रहती हैं वेबसाइट्स के ऊपर, आपको वेट करना पड़ेगा। कीप ऑन चेकिंग, एयरलाइंस की वेबसाइट पे जा के अपने रिज्यूम्स आप फॉरवर्ड कर सकते हो। देर आर फ्यू पोर्टल्स, अलग अलग पोर्टल्स हैं, एक है betteraviation.net है, और पायलट्स जॉब करके है, लेटेस्ट पायलट जॉब्स करके है, ऐसे खूब सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं, खूब सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने रिज्यूम्स डाल सकते हो कि जैसे ही कोई वैकेंसीज आती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड आप एयरलाइंस की वेबसाइट्स चेक करें, एंड जैसे ही वेबसाइट पे वैकेंसी आएगी वहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट लिखी होगी, आप जाएं वहाँ पे अप्लाई करें, फिर एयरलाइन के जो भी प्रोसेस हैं, आपके एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, एंड फ्यू अदर साइकोमेट्री टेस्ट होगा, या अडेप्ट होगा, या कंपास टेस्ट होगा, तो वो क्लियर करने के बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। अब बात आती है कि CPL आ गया आपके पास, उसके बाद क्या टाइप रेटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, आई डू नॉट सजेस्ट कि अगर आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है तो आप जाके टाइप रेटिंग करें। इफ़ यू डू नॉट हैव फंड्स प्रॉब्लम देन कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, फाइनेंसिस की दिक्कत है, तो आई डू नॉट सजेस्ट कि आप पायलट ट्रेनिंग करने के बाद टाइप रेटिंग खुद से करें। यू वेट फॉर द वैकेंसीज, जैसे ही फ्रेशर्स के लिए, सीपीएल होल्डर्स के लिए वैकेंसीज आएँ, यू अप्लाई फॉर दैट वैकेंसी, क्लियर दैट एयरलाइन एग्ज़ाम, उसके बाद अपने सारे जितने भी डिफरेंट एयरलाइंस के प्रोसेस रहते हैं वो सारे क्लियर करें, देन एयरलाइन विल सजेस्ट यू टू डू द ट्रेनिंग ऑन द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट जो उनके पास है, क्योंकि उस टाइम पे एयरलाइन विल गिव यू लेटर ऑफ इंटेंट कि दे इंटेंट टू हायर यू, लेकिन आपके पास ये टाइप रेटिंग होनी चाहिए। उसके बाद आई सजेस्ट कि आप वो वाली जाके टाइप रेटिंग करके आओ। मामू फैन का फैन, ये सुपरमैन, हियर वी गो। सो आई डू नॉट सजेस्ट कि आप खुद से टाइप रेटिंग करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एयरबस पे टाइप रेटिंग कर ली और वैकेंसीज बोइंग की आ गई, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से जाके बोइंग की टाइप रेटिंग करेंगे, आपका खर्चा तो डबल आके। अगर मैं यहाँ से हट गया तो ये वीडियो नहीं बन पाएगी, दैट्स वाई ये इसी छत पे यहाँ पे बैठी हुई है कि मैं यहीं पे बैठ के वीडियो बनाऊंगा, एंड दैट्स वाई शी इज सिटिंग हियर, क्योंकि मैं यहाँ से हटा तो ये मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। CPL करने के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस बचती हैं, क्या क्या ऑप्शंस मेरे सामने आती हैं। एक तो सबको पता है मेरे पास एयरलाइंस की ऑप्शन है कि एयरलाइन वाले वैकेंसी निकालेंगे और मेरे को उसमें जाना है। देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, आज की डेट में बहुत सारी चार्टर कंपनीज हैं जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलती हैं। तो चार्टर कंपनीज में कैसे करना रहता है कि आप उन कंपनीज को अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करें, एंड वेन एवर दे विल हैव वैकेंसीज दे विल डेफिनेटली कॉल यू। इसके अलावा यू कैन अप्लाई इन टू फ्लाइंग स्कूल्स एज एन इंस्ट्रक्टर्स, असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए आपको एडिशनल थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बट दैट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। आप CPL करने के बाद और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आजकल आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आएंगी जो एरियल फोटोग्राफी करती हैं या सर्वेस करती हैं, पाइपलाइन सर्वेस होते हैं, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सिर्फ एयरलाइन ही ऑप्शन नहीं बचती है, आप बाकी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने रिसोर्सेज खुले रखने पड़ेंगे, आपको इंटरनेट पर बहुत सारी सर्च करनी पड़ेगी, कई बार बहुत ये आई वुड सजेस्ट कि आप ये डिफरेंट पोर्टल्स जो रहते हैं उनके ऊपर अपना रिज्यूमे और अपना आईडी बना के रखें,
एंड उनको शेयर करें. जैसे कोई वैकेंसी आती है यू विल बी नोटिफाइड. अगर आप उनके क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट द जॉब. अगर आपके पास और भी कोई कमेंट्स हैं, अगर आपके और भी कुछ सुझाव हों या आप कोई और क्वेश्चंस हो आपके, तो यू कैन राइट दैट इन कमेंट बॉक्स. दिस इज कैप्टन नितेश अरोड़ा विद यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. जय हिंद.